हमारा शो ना एन टीवी पर मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे आने वाला है। प्लीज़ 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 देखिएगा संतोषी माँ सुनाए व्रत कथा, और हम यूट्यूब पर मिलेंगे और हम एन टीवी पर। ओके। सलाम सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को रतन राम। आज मेरा संतोषी माँ के सेट पर पहला दिन है, यानी कि 2.5 साल के बाद मैं पहली बार शूटिंग करने जा रही हूँ। नई फैमिली होगी, पूरा नया यूनिट होगा, पुराने में सिर्फ संतोषी माँ होंगी और उनकी भक्त संतोषी होगी, यानी कि मैं। मुझे अंदर से बहुत ही ऐसे बटरफ्लाई हो रहा है, बिकॉज़ ये मेरा पहले उस शो में मायका हुआ करता था और मैंने यहाँ काफ़ी शूट किया है, लेकिन अब तो मैं घर दिखाऊंगी और ख़ुद भी देखूंगी, क्योंकि पूरा सेट चेंज हो चुका है, पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है। मेकअप रूम वही है, अंदर यहाँ शूट चल रहा है अभी, ऑलरेडी 7 के शिफ्ट है, तो मैं इधर डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इधर ही हल्की फुल्की बातें करते हैं, फिर हम रूम में चलते हैं और रूम में हम फटाफट मेकअप करते हैं, क्योंकि मुझे मेकअप नहीं आता। और ट्राई कर रही हूँ खुद से ही सीखूँ, क्योंकि वही सेफ है इस टाइम पे। थोड़ा मेकअप गड़बड़ चलेगा, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हल्का फुल्का दिन बिताते हैं साथ में। रामेजुल, कार को पीछे लगा लो। बहुत सारा ताम थाम है, तो कुछ सामान मैंने ले लिया है, कुछ वो लेकर आएंगे। धर्म, क्या हाल चाल? अब हम लोग जा रहे हैं सेट की तरफ, तो हमें मास्क पहनना होगा। मास्क, हाय, मुझे तो लग रहा है अभी ग्रुप में नहीं, अकेले में बैठने की ज़रूरत है, ताकि आप वहाँ मास्क निकाल सकें और खुली हवा में सांस ले सकें। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? शंकर। शंकर दा। और आप? हाय, मैं संतोषी। संतोषी माँ नहीं है? मैं डायरेक्टर साहब को ढूंढ रही हूँ। हेलो यस जी, कैसे हैं? मैं आती हूँ फटाफट से रेडी होकर, लेकिन मुझे आज आप ही यहाँ। मुझे अपनी पूरी पुरानी टीम याद आ रही है, मेरी ताई, मेरी दादी, मेरी चाची, मेरा शंकर चाचा, मेरा भाई। सेट रहने से बहुत अच्छा लग गया। मैसेज पढ़ लिया जाए। गुड मॉर्निंग। तो हाय, आई लव दिस रूम। पहले जब हम यहाँ शूट करते थे ना, तो ये ऐसे दरवाजा और ये नहीं बना हुआ था, हम इस खिड़की पे ऐसे छलांग मार के अंदर जाते थे, साड़ी बचाते हुए, विग बचाते हुए। इतनी सारी मीठी मीठी यादें हैं यहाँ की। ओहो, आई नो कि मुझे फिर से यहाँ नई यादें बनानी हैं नई फैमिली के साथ, बट होता है ना, इस जगह से पुरानी फैमिली की याद बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, स्पेशली सुनीता राजवार, हमने बहुत मस्ती मारे हैं यहाँ पर। ये हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था, और यहाँ पे धैर्य सर ने हमारी बहुत वाट लगाई है।
या सो अभी चल के हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में मेकअप शुरू करते हैं। थोड़ा मैं ग्रेस टाइम लेकर चलना चाहती हूँ बिकॉज़ फर्स्ट डे है, तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, रेडी हो जाएंगे उसके बाद आराम से बैठे। मैं इसीलिए टाइम से थोड़ा पहले भी आई हूँ। पहले सबसे पहले बेस चुनने की बात आ रही है ना? ओके हाँ जी मैम। टुडे आई एम लर्निंग, हमारे हेयर दादा हमको मेकअप सिखा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे मेकअप सीखना जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। देखो हमारे पास लिक्विड बेस भी है जी, हमारे पास ये बेस भी है, पर क्या हम इन दोनों के साथ कुछ करें क्या? हाँ, एक बार इसका टेक्सचर लोगे हाथ में, देखो ऐसे देखो। हाँ बेटर है, लेकिन ये डल है, डार्क है ना मेरे फेस के। डार्क है एक्चुअली, उस दिन जो हुआ था उस दिन डार्क लग रहा था, उस दिन भी डार्क था ना? हाँ मुझे भी लगा। हाँ बेटर है ये FS28 सीधा हमारा, FS28 बेटर रहेगा है ना? हाँ वो बेटर है। मैम इससे पहले सीन क्या है कि आप मतलब आप प्रकट हुए महादेव के सामने, उसके बाद फिर अच्छा ये पहला यहाँ पे आए हैं। हाँ तो वो आने से पहले एक है वो उन्होंने घर वालों को और सब लोगों को नहीं बताया, तो घर में खुश हो रहे हैं। हाँ बट सिंहासन सिंह खुश हैं तो सब कोई खुशी का माहौल है। वो कुछ चाय वाय पी रहे होते हैं, वो चाय का कप टूट जाता है अपने आप ही आपकी आवाज से। चेंज कर ले बोला है उन्होंने। पूछ ले एक बार लकी से। एक बार पूछ लो। Come in. Good morning, ma'am. Good morning. कौन है? हेयर के लिए। हेयर के लिए। अभी टाइम है। हाँ। तो थोड़े से नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद करते हैं। आप आवाज़ देंगे मैं आऊँ कितने टाइम में आता? 20 मिनट के बाद करें। Okay. Thank you. Ready? अभी मुझे जितना आता था मैंने उस हिसाब से मेकअप कर लिया है। टुडे इज फर्स्ट डे तो इसको मैं बैड नहीं कहूँगी। अभी नेक और फेस को मैच करना है। मेरे फेस का बेस मुझे अब तक नहीं मिल रहा है, मैं कल पूरा मार्केट घूम चुकी हूँ। सो बट कोई बात नहीं, कहते ना अगर बेस आपको परफेक्ट मिल गया अपने स्किन टोन के, बिल्कुल इंडियन स्किन टोन को देखते हुए, तो समझ लीजिए आपने मेकअप में जंग जीत लिया है। मैं अभी तक जंग नहीं जीत पाई हूँ क्योंकि आई शो यू किसी टाइम पे मुझे मौका मिला तो कि मेरे पास कितने सारे बेस हैं और मेकअप दादा उन सबको कैसे मिक्स करके मेरा कलर टोन बनाते हैं। आई एम रेडी, अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। हम शूट पर कुछ भी हो जाए फ्लोर पर लेट नहीं पहुंचना चाहते क्योंकि दूसरे एक्टर्स को वेट करना पड़ता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूरी समझ लो 50-60 लोग आपकी वजह से इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट बाद में सोचा करूँगी, पहले रेडी हो जाती हूँ। बट अभी हमारे पास टाइम है 1 घंटा, तो अब हम जाएंगे पेंट पूजा करने। ब्रेकफास्ट टाइम, वैसे लेट हो गई हूँ पर रेडी होकर सुकून से खाने का मजा ही कुछ और है। आज फर्स्ट डे है इसलिए पूरा इंतज़ाम नहीं है, न्यूज़पेपर मैट्रेस ये सारी चीज़ें, मैट्रेस मैट ये मिस हो गया है ना, खाना कितना ज़्यादा दिख रहा है ना क्योंकि यहीं पर अब पूरा दिन निकलेगा, तो सुबह दोपहर शाम जब भी भूख लगेगी मैं अपने डब्बे से ही खाऊंगी। सेट का खाना वैसे भी नहीं खाती, लेकिन पहले एक फ्रीडम हुआ करता था कि कभी उधर भी ताक झाँक लिया कि सेट पे क्या खाना है अच्छा है तो उसमें से दोनी वाला खा लिया, पर अभी घर का बना खाना, ये क्या कॉम्बिनेशन है ना, रोटी सब्जी और साथ में थोड़ा भुना हुआ चूड़ा, वो जो क्रंची आता है ना टेस्ट,
जैसे आप लोग रोल में खाते हो वैसा टेस्ट आता है। टाइम पास नहीं, मुझे स्क्रिप्ट भी पढ़ना है, तो फिलहाल वैसे इतना ही। चलो बड़े ही टाइम पर पैकअप हुआ है, तो आज बड़ी खुशी का दिन है। सो अब हम फटाफट से अपनी पैकिंग करेंगे। प्लीज कम इन। और मेकअप हम सबसे लास्ट में उतारेंगे, रास्ते में भी उतार सकते हैं। रामेजुअल आते वक्त बड़े तरतीब से रहता है, जाते वक्त जैसे तैसे। इसमें डाल दूंगा। नहीं वो तो मैं ले लूंगी यार, लाइफ में ये बहुत ही प्रॉब्लम आ गई है। आई मीन हर थोड़ी देर के बाद हैंड वॉश, सैनिटाइजर, और अब ये सैनिटाइजर से भी प्रॉब्लम आ गई है दुनिया में। ये कौन सी बला है यार। मतलब पहले लगता था ना कि इजीली सिर्फ आते थे और हमें मेकअप संभालना होता था, लेकिन अब क्या है कि हमें यहाँ से लाइन सिर्फ याद नहीं रखना है, ये भी याद रखना है कि हम कुछ भी टच करने के बाद अपना फेस ना टच करें। तो आजकल हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, और हमसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सेट पर जो प्रोडक्शन टीम है वो बहुत ध्यान रख रही है। मेकअप आर्टिस्ट के पास भी पी किट है, और सैनिटाइजेशन मशीन से हमेशा दो दो तीन दिन बाद सैनिटाइज कर रहे हैं पूरे सेट को, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। और मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरीके से तरतीब से शूट करें तो भगवान का नाम भी लेना चाहिए, तो चीज़ें संभली रहेंगी। सो थैंक यू प्रोडक्शन हाउस हमारा ध्यान रखने के लिए। अच्छा ये जो बेतरतीब सा ये कॉम्बिनेशन है ना, लाउड मेकअप और ये कपड़ा, तो हम थोड़ा थोड़ा मेकअप निकालेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली मुझे सेट पर लग रहा है बहुत डर, लेकिन हमारे डर का ख्याल रखने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है, पर फिर भी मैं बहुत प्रिकॉशन के साथ चल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा कि हम लोग सब स्वस्थ रहें और आप लोग को एंटरटेन करते रहें। ये जो कैरेक्टर बनने के लिए मोटा सा लेयर पहना ना, उसको निकालना है अभी। मेकअप चढ़ाना जितना मुश्किल है ना, उससे ही ज्यादा मुश्किल मेकअप उतारना है यार। यहाँ हम आधा काम करेंगे, आधा काम हम घर पर करेंगे। कुछ भी कहो यार, अपना स्किन होता है। मुझे संभाव मेकअप बहुत नहीं पसंद है, लेकिन सुंदर सुंदर देखना चाहते हैं आप लोग, तो सुंदर बनने के लिए हमें बहुत सारा मेकअप करना पड़ता है। चले हम घर जाएंगे, घर पर शावर लेंगे और अच्छी वाली चाय पियेंगे। यार कितना टाइम हो गया ऐसे मिले हुए। ये है हमारा घर। ये घर बहुत 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 बड़ा है और बहुत मज़ेदार है, और घर से ज़्यादा यहाँ के लोग बहुत मज़ेदार हैं। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो उनकी बॉन्डिंग आपको ऑन स्क्रीन तो दिख रही होगी, पर कहीं ज़्यादा ऑफ स्क्रीन उनकी बॉन्डिंग है। और मौका मैं निकाल करके ज़रूर परिवार वालों से मिल पाऊँगी। आज पहला ही दिन है और मेरी दोस्ती हो चुकी है। हाँ जो हमारे ससुर जी हैं सिंहासन सिंह, सासू माँ, और जितनी चुड़ैलें हैं ना सेट की, और जो डाकू लोग हैं, वो सब रियल लाइफ में बड़े स्वीट हैं। तो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद दिल मुझे लगता है कि करीब आ चुका है, और मज़ा आ रहा है सेट पे। ओवरऑल मज़ेदार दिन रहा, तो सेट भी दोबारा घुमाएंगे। रामेजुअल किधर है? थोड़ी देर वॉक कर लें। तो अब
नायगांव का काम खत्म, अब हम गोरेगांव की तरफ जा रहे हैं और घर जाकर सुकून से चाय पीते हुए शायद आपसे मिले और ना मिले तो यहीं पर राम राम जय भारत मिलते हैं। अच्छा, हमारा शो ना एन टीवी पर मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे आने वाला है। प्लीज़ 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 देखिएगा संतोषी माँ सुनाए व्रत कथा, और हम यूट्यूब पर मिलेंगे और हम एन टीवी पर। ओके, अब मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी खुले हवा।